मेरी भाभी मेरे भैया को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। भैया ये रट लगाए बैठे हैं कि ये बच्चा उनका नहीं है। तीर एकदम निशाने पे लगा है। हमें पूरा यकीन है अगर लड़की हुई ना तो बिल्कुल अपने नानी पर जाएगी। पता है स्नेहा बचपन में इतनी शरारती थी, इतनी मस्ती करती थी, पूरे घर में धूम मचाती थी। सच मौसी माँ, मम्मा ने तो अपने बचपन के किस्से कभी मुझे सुनाए ही नहीं। अरे हमसे पूछो ना, हम सब जानते हैं उसके बारे में। सीमा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हमें क्या होगा, हम ठीक हैं। मम्मी जी आप थक गई होंगी ना, चलिए जाकर आराम कीजिए, ये मैं कर लूंगी। अब रहने दो। हमारा मतलब है कि आराम की जरूरत तुम्हें है, हमें नहीं। मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आप जाइए। चाहिए प्लीज। ठीक है, बाहर वैसे भी बहुत काम है। गुंजन जरा यहाँ आना प्लीज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ दो मिनट में आई। अरे दो मिनट क्यों, हम और बिंदिया है ना यहाँ, हम सब संभाल लेंगे। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मयंक, मयंक। यस मैडम। तुमने बुलाया? यस मैडम। बोलो क्या बात है। बुलाने के लिए कोई बात या वजह होनी जरूरी है? तो ठीक है, लेट मी थिंक। प्लीज बताओ ना क्या बात है। कमरे में गौर से चेकआउट करो, कुछ है क्या तुम्हारे लिए स्पेशल? क्या है मयंक? गॉड मयंक, मेरे बचपन के फोटोग्राफ्स तुम्हें कहां से मिले? ससुर जी की मेहरबानी, उन्होंने मुझे मेल किए, मैंने प्रिंटआउट्स निकाले और पेश है आपकी बचपन की तस्वीरें राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मयंक मैं कितनी सिली लग रही हूँ, प्लीज इन्हें निकाल। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि इन फोटोज को तुम दिन रात अपने सामने रखो और देखती रहो, ताकि मेरी होने वाली बेटी जो है ना बिल्कुल मेरी बेबी गुंजन जैसी हो। क्या हुआ गुंजन, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, सब ठीक तो है? पता नहीं मयंक, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मम्मी जी मुझसे नाराज है। हाँ तुमसे नाराज है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक सेकंड, तुमने कुछ उछल कूद तो नहीं की ना? नहीं मयंक ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी जी गुस्सा है। तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस ज्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं। याद है ना कल माँ ही कितना चिल्ला चिल्ला के खुशी से सबको बता रही थी कि हमारी गुंजन माँ बनने वाली। आई नो मयंक, लेकिन कुछ नहीं, इस वक्त पे तुम्हें एकदम खुश रहना चाहिए, हंसते खेलते, नो सैड। तुम्हें इस वक्त के बारे में बड़ा पता है? अरे बहुत पता है तुम्हें, दाई माँ से तुम्हें सब पता है।
विक्रम की शादी के बाद हम उसे यही रख लेंगे अपने पास अपने ही घर में। ये मौका अच्छा है मिस्टर ब्रह्मचारी से दोस्ती बढ़ाने का, विश्वामित्र जी को अपने वश में करने का। सेफ्टी पिन लगाना भूल गई, क्या करें, कोई सेफ्टी पिन लगाने वाला भी तो हो। आपसे विशेष तौर पे निवेदन किया था कि हमसे उचित दूरी बनाए रखें। हाय राम, मैंने कौन सी दूरी कम की? अरे पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये, इतनी आसानी से पटने वाला नहीं। पर कोई बात नहीं विश्वामित्र जी, ये मेनका आपका ध्यान भंग करके ही रहेगी। हाँ हमारा मयंक और बाप, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखिए ना भैया, डोलू अब तक मयंक को भैया कहता था और अब डोलू को कोई भैया कहेगा। मम्मी जी, अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, एक बात बताइए, अभी घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप खुश है ना? सीमा की तो खुशी की लॉटरी निकल गई है, दिखा नहीं रही है लेकिन सबसे ज्यादा खुशी सीमा को हो रही है। क्यों सीमा? हाँ, वैसे हम सोच रहे थे कि इस खुशी के मौके पर एक पूजा रखी जाए। हाँ शेर, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है, तुम जल्दी से पंडित जी से बात कर लो, उसके बाद हम पूजा रख पाते। तो फिर ठीक है सीमा, तुम अपने पंडित जी से बात करो, उन्हें बुला लो, वो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं ना, इतनी जल्दी कोई आएगा भी नहीं, बाकी सब हम संभाल लेंगे। जी ठीक है, हम बात कर लेंगे, वो हम अभी आए। ठीक, क्या है मेरी माँ यार, अब क्या काम पड़ गया तुमको मुझसे? मेरे कुंभकर्ण आदि, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बल्कि जो काम मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, उससे तुम्हारा फायदा जरूर हो सकता है। वो क्या है कि गुंजन का, इससे पहले कि तुम अपनी ये रामायण शुरू कर दो ना, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये गुंजन नाम का चैप्टर मेरी लाइफ से तो क्लोज हो चुका है। आदि, क्या मैं नहीं जानती कि तुम अब तक कॉलेज में क्यों हो? भाई साहब को क्वेश्चन पेपर्स बेचने का बहुत शौक है ना, तुम्हारे ऐसे कई और शौक मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, तुम क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो?
अरे ब्लैकमेल तो बुजदिल करते हैं, मैं पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ। तुम शायद अभी तक समझे ही नहीं आदि कि हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। अब ये डायलॉग बाजी छोड़ो और ये बताओ कि काम की बात क्या है। ओके, ध्यान से सुनो। देखो आदि, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ कब निकलना है, ओके? ओके। बिंदिया मेरी जान, यू आर जस्ट टू गुड। तुम्हें पता है, तुम्हें एक्ट्रेस नहीं स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए था। क्या स्क्रिप्ट लिखी है? वेल डन। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे घर में पूजा करने के लिए आप राजी हो गए। कैसी बातें कर रही हैं आप, हम क्यों नहीं आएंगे? और इतने समय बाद आपके घर में खुशहाली जो आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि आप दादी बनने वाली हैं। माता रानी के आशीर्वाद से सब अच्छे से हो जाए, इसके लिए हम पूजा जरूर कराएंगे। जय माता जी। जय माता। मम्मी जी को कुछ तो जरूर हुआ है, चाहे वो कितना भी मना क्यों ना करे, कोई गड़बड़ जरूर है। अब होने वाली मम्मी जी, किस सोच में खोई हो, क्या चल रहा है? एक मिनट, मैं गेस करती हूँ। होने वाले बच्चे का नाम गेस कर रहे थे, है ना? मम्मी जी अब तक आए नहीं? अरे आ जाएंगी, जाएंगी कहाँ? अच्छा गुंजन, शैल आंटी ने कहा था शर्मा आंटी के यहाँ कुछ मिठाई भेजनी है, तुमने भेज दी? ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, अपने कामों में इतना बिजी हो गई थी ना। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपना सारा काम समेट कर भिजवा देती हूँ। समेटो बेटा, समेटो, मैंने तुम्हें ऐसे जाल में फंसाया है गुंजन कि उम्र बीत जाएगी लेकिन रायता समेट नहीं पाओगी, और मैं तब तक इस घर की रानी बनकर यहाँ राज करूंगी। आंटी जी, क्या जो मैंने सुना है वो सच है? हम नहीं जानते तुमने क्या सुना है। हमारा रास्ता छोड़ो, हटो हमारे सामने से। रुके ना आंटी जी, बताइए ना, गुंजन माँ बनने वाली है। गुंजन? मैं गुंजन से क्यों लेना देना? सही कह रही हैं, मुझे गुंजन से क्या लेना देना, लेकिन उसके होने वाले बच्चे से तो लेना देना है। वो बच्चा हमारे मयंक का है, समझे? हटो। रुके आंटी जी, ये बच्चा मेरा क्यों नहीं हो सकता? शायद आप भूल गए हैं, गुंजन और मेरी सगाई हुई थी। और वो मेरे साथ घर छोड़ के भाग गई थी। और मैंने और गुंजन ने एक साथ दो रातें गुजारी। मयंक से तो वो अभी मिली, मैं और गुंजन तो काफी टाइम से एक साथ हैं। याद कीजिए आंटी जी।
मैं जानता हूँ आंटी, ये मसला थोड़ा नाजुक है, पर आपकी फैमिली की इज्जत का भी सवाल है। आप बेफिक्र रहिए, मैं बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा और ना ही मयंक और गुंजन की खुशी के बीच में कांटा बनूंगा। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप बच्चे को मुझसे कभी कभी मिलवाने के लिए लेके आएंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझ जैसे को भी बाप बना दिया। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूं। मेरे गाल पे या कहीं लिपस्टिक का कोई निशान तो नहीं? कल रात को हम दोनों एक घर में सुनसान रात में साथ में रहे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझ जैसे को बाप बना दिया। हाय विंध्या। आप ये लो, गरम गरम समोसा। गुंजन, जरा आओ ना मेरे साथ, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? अरे गुंजन आओ तो मेरे साथ, इधर। क्या बात है मयंक? बात नहीं, सरप्राइज है। ओहो, लगता है अगले 9 महीनों तक मुझे सरप्राइजेस ही मिलती रहेंगे। क्यों? काश मैं ऐसा कर पाता तो हमारे सफर के हर डे को मैं कितना स्पेशल बना देता। खैर एक काम करो, ये सब छोड़ो, तुम आंखें बंद करो। ओके। ये बच्चा मेरा क्यों नहीं हो सकता? शायद आप भूल गए हैं, गुंजन और मेरी सगाई हुई और वो मेरे साथ घर छोड़ के भाग गई थी, और मैंने और गुंजन एक साथ दो रातें गुजारी। मयंक, मेरा साथ हमेशा ऐसे ही देना। आई होप हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार और बढ़े और सबके लिए मिसाल बन जाए। क्या हुआ गुंजन, तुम उदास क्यों लग रही हो? पता नहीं मयंक, लेकिन एक अजीब सा डर लग रहा है, जैसे कि क्या कहीं किसी की नजर नहीं लग जाए। हमारा दम घुट जाएगा जब तक हम गुंजन से पूछ नहीं लेते कि ये बच्चा किसका है। हमें चैन नहीं पड़ेगा। ये मेरा तुमसे वादा है कि दुनिया का बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर बन के दिखाऊंगा। मयंक, इस दुनिया के बेस्ट पति तो तुम हो ही, और मैं जानती हूँ तुम सबसे अच्छे पापा भी बनोगे। जब हम दोनों साथ हैं तो सब कुछ मिल बांट कर करेंगे।